हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, कि कई स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन थी कि वॉइड एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से कैसे अंतर होता है, अलग होता है। हम वॉइड एग्रीमेंट्स वो होते हैं जो कि एग्रीमेंट्स होते हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट स्टेज तक पहुँचे ही नहीं है, यानी कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, जिन्होंने सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया है, और इसलिए उनकी इस स्टेज पर कोई वैल्यू नहीं है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल ही नहीं है। जैसे कि कैपेसिटी ऑफ पार्टी, जैसे कि माइनर्स एग्रीमेंट, अगर किसी माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट बनाया जाए तो वो कैसा एग्रीमेंट माना जाएगा? वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं माना जाएगा, वो क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एब इनिशियो। क्यों? क्योंकि वो वॉइड है, जीरो वैल्यू है। एब इनिशियो का मतलब है बिगिनिंग से ही है, शुरुआत से ही है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी कंडीशन थी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की, वो यहाँ पे फुलफिल ही नहीं होती, क्योंकि एक माइनर के साथ, एक 18 साल से नीचे के व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट में एंटर किया गया। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस बात को बहुत स्पेसिफिकली समझाता है। ना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं क्योंकि जब वो बने थे दोनों पार्टीज के बीच में, तो सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो सारे प्रोविजंस फुलफिल हो रहे थे, वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही थी जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। लेकिन सेक्शन 56 में, जैसे कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज़ की बात की जा रही है, कि जैसे कि कभी जो कि पार्टीज के कंटेम्पलेशन में नहीं है, और जहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ पर वो एग्रीमेंट ऐसा हो गया, या इनफैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट था वो ही अनलॉफुल हो गया, या दोनों पार्टीज में से एक पार्टी बाद में जाकर असक्षम हो गई, इनकेपेबल हो गई, मे बी बीमार हो गई, कोई एक्सपायर हो गई, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जिस वजह से, जिस चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया था पार्टीज के द्वारा, वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, तो वो बाद में जाके वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यानी कि एज कम्पेयर टू वॉइड एग्रीमेंट, वो पहले से ही जीरो नहीं था, उसकी वैल्यू पहले से ही जीरो नहीं थी, वो बाद में जाके वैल्यूलेस इसलिए हो गया क्योंकि बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बीच में आ गए जो कि पार्टीज के कंट्रोल में नहीं थे, और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गया, जहाँ पे पार्टीज का उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल हो गया, और उसी को हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने दिया है। आई होप आपको इस वीडियो से वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।